सभी को फंडामेंटल राइट्स दिए, सभी को अधिकार दिए, और आज कहीं ना कहीं ये सरकार वर्तमान की उस संविधान को मिटाना चाहती है और दूसरे लोगों को अपने जो इनके खास दो तीन चार लोगों को पूरा देश सौंपना चाहती है। लेकिन ये सरकार की गलतफहमी है, हमारे देश की जनता बहुत अच्छी है, जब ये चाहती है तो सर पर बिठा लेती है, जिस दिन इसको एहसास हो जाता है कि ये हमारे साथ गद्दारी कर रहा है तो ये उठाकर उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी करती है। बिक्कू करुणाकरण है हमारे बीच में और वो बहुत एक्टिव रहते हैं सोशल एक्टिविटी में, और जब भी कहीं समाज के साथ, खास तौर से बहुजन समाज या बौद्ध समाज के साथ कहीं पर भी कुछ शोषण अत्याचार होता है या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी होती है जो प्रजातंत्र के खिलाफ हो या संविधान के खिलाफ हो, वो बहुत बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। बात करेंगे बिक्कू करुणाकरण जी से। क्या करूँ क्या बताऊँ, आप किस लिए आए हैं? अरे भाई मैं यहाँ किसान आंदोलन को समर्थन करने आया हूँ। आपको क्यों लगा बिक्कू कि आपको, आप तो धम का काम करते हैं, आपको क्या जरूरत है किसान के आंदोलन? अरे मैं सुमित रतन जी की वजह से आया हूँ, ये यहाँ अकेले पड़े थे इसलिए मैं आया अपने उसके धम मित्र भाई का सहयोग करने के लिए। हाँ आपकी क्या डिमांड है सरकार से? मेरी कोई डिमांड नहीं है, सब तो इन्होंने बता तो दिया इनकी डिमांड है। अच्छा लाइव होने दो, हाँ देखने दो। हाँ फिर भी आप भी तो सरकार से कुछ चाह रहे होंगे? अरे सरकार से ये चाह रहे हैं कि ये तीनों बिल वापस हों, और ये तीनों बिल जो है बहुत खतरनाक हैं, और ये तीनों बिल जो हैं ये केवल किसानों के लिए नहीं है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो भी अन्न खाता है, जो भी चाहे डॉक्टर है चाहे इंजीनियर है चाहे आईएएस है आईपीएस है, उसके लिए भी खतरनाक है। लेकिन ये जो बिल तो बाद में बनाया इन्होंने और उनके गोदाम पहले दो साल पहले बना दिए, अब मोदी की नार में ऐसी हड्डी फंस गई है कि वो निकलना नहीं चाहती बाहर कि इधर करूं तो अडानी अम्बानी नाराज हो जाएंगे। दो लोगों की खुशी के लिए ये करोड़ों लोगों को नाराज किए हुए है, इसे ये नहीं दिख रहा है कि तू जो सत्ता में आया ये अडानी अम्बानी ने नहीं लाया, उन्होंने रुपया दे दिए होंगे लेकिन वोट तो इन किसानों ने दिया, मजदूरों ने दिया, भूखे नंगे लोगों ने दिया, इन लोगों ने दिया, जो भारत का जनमानस है जो नागरिक है उसे वोट देकर तुझको किया। तो ये बात है सबसे बड़ी बात। दूसरा ये है, ये जो अडानी और अम्बानी हैं ये पूरे देश को केबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडस्ट्रियल था एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल वही बचा था जो पूंजीपतियों से अंडर में नहीं था, लेकिन अब ये पूंजीपतियों के अंडर में इस एग्रीकल्चर को देके पूरा का पूरा कब्जा पूरे देश के कृषि और पूरे देश के खेत और खलिहान पर करना चाहता है। देखिए जहाँ तक बिक्कू करुणाकर जी ने जो बात कही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उससे पहले ही ये मोदी सरकार भाजपा सरकार पूरे देश में जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो अपना एयरप्लेन जो फ्लाइट का मामला हो, बहुत सारी चीजों को ऑलरेडी प्राइवेटीकरण निजीकरण, चाहे वो MTNL टेलीफोन डिपार्टमेंट हो, सबका निजीकरण कर चुकी है। एक ही चीज बची थी जो किसान के हाथ में अपनी खेती अपने तरीके से करके वो बेच सकता था, उसका भी निजीकरण करने जा रही है, जिसके खिलाफ बिक्कू करुणाकर जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनकी सरकार से डिमांड है कि इसको जल्दी से जल्दी इस काले बिल को वापस लिया जाए। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय किसान। अम्बेडकर मिशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865, IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक,
आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।